नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे लेटेस्ट जॉब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे SPM CIL की आई वैकेंसी के बारे में, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। गाइस यहां पर जो है तो भारत प्रतिभूत मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड का यहाँ पर जो है तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सो आपके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। यहाँ पर गाइस असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई है। सो पूरी नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल से बताऊंगी, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सैलरी है, क्या एज लिमिट है। सो बने रहिए आप वीडियो की आखिरी तक। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करना। सो चलिए गाइस स्टार्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले वैकेंसी आई हुई है दोस्तों सेक्रेटरियल असिस्टेंट की। यहाँ पर जो है तो आप देख सकते हैं वन पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है। एंड एज लिमिट की बात करूँ 28 ईयर्स यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। एंड यहाँ पर सैलरी आप दोस्तों देख सकते हैं 23,910 से लेकर यहाँ पर गए जो है तो 85,570 रुपये यहाँ पर जो है तो सैलरी रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में वैकेंसी आई हुई है, जिसमें यहाँ पर 3 वैकेंसी रखी है, जो जनरल कैटेगरी के लिए 2 एंड SC कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी रखी गई है। एज लिमिट की बात करूं 28 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। सैलरी आप यहां पर देख सकते हैं 21,540 से लेकर 77,160 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिल जाएगी। सो गाइस आप यहां पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मौका है। नेक्स्ट यहाँ पर गाइस हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। गाइस तो यहाँ पर जो है तो बात करूँ सेक्रेटरियल असिस्टेंट में, तो यहाँ पर जो है तो ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, 50% के साथ आपको पास आउट होना चाहिए। एंड यहाँ पर जो है तो कंप्यूटर का नॉलेज हो करना चाहिए, स्टेनोग्राफी होना चाहिए। एंड यहाँ पर जो है तो आप देख सकते हैं 80 वर्ड पर मिनट्स टाइपिंग आपको जो है तो इंग्लिश में एंड 40 वर्ड पर मिनट यहाँ पर जो है तो हिंदी में आपको जो है तो टाइपिंग आना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर गाइस एज लिमिट जैसे ही बता दें 28 ईयर्स रखी है। नेक्स्ट यहाँ पर जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की बात करूँ तो यहाँ पर ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, 55% के साथ आपको पास आउट होना चाहिए। यहाँ पर गाइस जो है तो कंप्यूटर नॉलेज विथ टाइपिंग स्पीड कंप्यूटर इन इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट्स एंड हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट्स आपको जो है तो टाइपिंग आनी चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर गाइस जो है तो 28 ईयर्स रखी गई है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं आपको कंप्यूटर का यानी आप स्टेनोग्राफर के हैं तो आपको टाइपिंग ज़रूर आती होगी। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूँगी तो फॉर्म फिल करने की स्टार्टिंग डेट जो रखी गई है 28/9/2021 रखी गई है। एंड फॉर्म फिल करने की जो लास्ट रखी गई है 27/10/2021 से पहले जो है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सो गाइस आप यहां पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मौका है। यहां पर गाइस जो तो आपको एग्जामिनेशन अभी जो है तो इन्फॉर्म नहीं किया गया, जैसे अभी डेट डिक्लेयर नहीं की गई है। जैसे ही आपको डेट आएगी मैं इन्फॉर्म कर दूंगी, आपको जो है तो वेबसाइट में मिल जाएगा। सो दोस्तों यहां पर जो एज में छूट मिल जाएगी OBC SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए। सो आप यहां पर देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूंगी दोस्तों तो यहां पर जो है तो आप देख सकते हैं फेज 1 एंड फेज 2 में यहां पर आपका जो तो एग्जाम होने वाला है। गाइस यहाँ पर जो है तो फेज 1 में आप देख सकते हैं स्किल टेस्ट आपसे यहाँ पर जो है तो लिया जाएगा। एंड यहाँ पर जो है तो सेक्रेटरियल असिस्टेंट में यहाँ पर जो है तो हिंदी शॉर्ट हैंड यहाँ पर आपसे जो है तो स्पीड मांगी गई है, जो आपसे वो सारी चीज़ें आपको जो है तो यहाँ पर ली जाएगी। एंड यहाँ पर गाइस जो है तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात करूं तो टाइपिंग टेस्ट होगा ऑन कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश में यहां पर जो है तो। एंड टाइपिंग स्पीड आप देख सकते हैं 40 वर्ड पर मिनट्स इंग्लिश में एंड 30 वर्ड पर मिनट्स यहां पर जो है तो हिंदी में आपसे लिया जाएगा। सो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहां पर हम बात कर लेते हैं फेज 2 में। फेज 2 के लिए यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर जो है तो पोस्ट के लिए यहाँ पर बताया गया है, तो यहाँ पर जो है तो आपसे CVT एग्ज़ाम ओनली लिया जाएगा दोस्तों। फिर इसके बाद स्किल टेस्ट से फिर यहाँ पर जो है तो आपकी मेरिट्स बनेगी, उसके बाद जो है तो आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेती हूँ सिलेबस यहाँ पर जो है तो देख लेते हैं CVT एग्ज़ाम का। तो यहाँ पर जो है तो जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, जनरल इंटेलिजेंट एंड एप्टीट्यूड अर्थमेटिक के क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं, जो 40 क्वेश्चन रहेंगे एंड यहाँ पर 40 मार्क्स आपके लगने वाले हैं। एंड यहाँ पर जो है तो सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी के लिए यहाँ पर कंप्रिहेंशन
यहाँ पर जो है हिंदी ग्रामर, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज वर्ड्स एंड यूजेस, यहाँ पर जो है तो दोनों के लिए यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं। बस ये इसका जो है तो सब्जेक्ट चेंज कंप्यूटर नॉलेज, एमएस ऑफिस, इंटरनेट, ईमेल एक्सेट्रा, यहाँ पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जो है तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 60 क्वेश्चन रहेंगे एंड 60 यहाँ पर मार्क्स लगने वाले हैं। टोटल यहाँ पर जो है तो 100 मार्क्स के यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर गाइस जो है तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पर जो रखी गई है आपको पहले बताया देंगे। यहाँ पर जो टाइमिंग जो रहने वाला है आपका सीबीटी एग्जाम का 2 आवर्स यहाँ पर रहेगा। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। गाइस इसकी वेबसाइट में जाकर आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट आपको दी गई, इसकी वेबसाइट में भी जाकर आप जो तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर जो है तो आपको दिया गया है। सो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मौका है गाइस। यहां पर जो है तो आपको बताया गया है कि कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। ये देखिए तो दोस्तों इसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी सारी डिस्कस कर ली हूँ। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करना। गाइस एक बार और फॉर्म फिल करने की जो आखिरी डेट रखी गई है 27/10/2021 यानी 27 अक्टूबर से पहले आप फॉर्म को फिलअप जरूर कर लीजिएगा अगर आप एलिजिबल होंगे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।